पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड यानी WBPRB ने 18 जून 2021 को सब इंस्पेक्टर सशस्त्र बल और निशस्त्र बल 2019 भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वैभव पवार ने चयनित किए गए 50 प्रतिभागियों की एक लिस्ट ट्वीट की। इस लिस्ट में अधिकतर लोग मुस्लिम समुदाय से दिखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ममता बानो खेला होबे से लेकर पाकिस्तान बनोबे तक का सफर तय कर रही हैं। ट्विटर बायो में खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली सुबुही खान ने भी ये लिस्ट ट्वीट की, जिसके बाद लोगों ने कई तरह के कमेंट किए। ऐसा भी एक कमेंट आया कि ये बांग्लादेश पुलिस की भर्ती है। एक और ट्विटर यूजर अतुल आहूजा ने BBC, NDTV और द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर तंज कसा। अतुल को रेल मंत्री पीयूष गोयल, कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा फॉलो करते हैं। सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, फेसबुक पर भी ये दावा खूब शेयर किया गया। असल में जब आप इस लिस्ट को देखते हैं तो उसमें ऊपर OBCA वैकेंसीज लिखा हुआ देखा जा सकता है। ये बताता है कि इन उम्मीदवारों का चयन OBCA कैटेगरी के अंतर्गत हुआ था। ये OBCA क्या है? असल में पश्चिम बंगाल में OBC कैटेगरी को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो सामाजिक और आर्थिक तौर से बेहतर हैं उन्हें OBC B और बाकियों को OBCA कैटेगरी में रखा जाता है। OBCA को 10% आरक्षण दिया गया है, वहीं OBC B को पिछड़ा मानते हुए 7% आरक्षण दिया गया है। दोनों मिलाकर OBC को कुल 17% आरक्षण मिला हुआ है। हम आपको OBC B कैटेगरी में चुने हुए लोगों की लिस्ट भी दिखा रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में चुने गए अधिकतर लोग हिंदू संप्रदाय से हैं। अब आपको इस सिलेक्शन की पूरी कहानी बता देते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर हर रिजर्व कैटेगरी की दो लिस्ट दी गई हैं। कुल 10 लिस्ट में से एक को उठाकर वायरल किया गया और यह भ्रम फैलाया गया कि WBPRB ने केवल मुस्लिम समुदाय को तरजीह दी। अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के तहत 147 उम्मीदवार चुने गए और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी में 40 उम्मीदवार चुने गए। यहां आपको यह बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के आदेशानुसार मुस्लिम समुदाय ST या SC रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकता है। गैर आरक्षित सीटों पर भी कुल 366 लोगों को चुना गया है। इसमें ज्यादातर उम्मीदवार हिंदू समुदाय से आते हैं। कुल मिलाकर बड़ी चालाकी के साथ केवल OBCA लिस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए यह दावा किया गया कि WBPRB ने केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुना है। लेकिन इस लिस्ट के अलावा 9 और लिस्ट हैं जिसमें अधिकतर लोग हिंदू समुदाय से चुने गए हैं।